हाँ जी आज काका का बकरा का मीट देखो आप, आज तैयार करके आपको खिलाता हूँ। काका का मीट क्या होता है, क्या बात है। देखो आज क्या बनाने वाले हो? आज बकरे का मीट बनाएंगे। बकरे का मीट? हाँ जी। क्या बात है भाई, दो दो कुकर एक साथ लगा रखे हैं और ये सारे सामान यहाँ पे रखे हैं। शुरू करें काका? बिल्कुल शुरू करो। चलो तो ये बकरे का मीट बनाते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 25 साल हो गए। ये सरसों का तेल घेर रहे, कच्ची गाने का तेल है, खुद लखड़ा के लेता लेके आता हूँ मैं और खुद बनाता हूँ। घर में भी इसी को काम में लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। सरसों के तेल में खाते हो क्या? हाँ जी। नहीं बनाते, सिरी ले लो, सिरी पाया, ओजड़ी ले लो, कोई सा भी मीट ले लो, कोई सा भी सब बना देंगे। चिकन में ले लो कोई सा भी चिकन, वो बना देंगे। कोई भी आइटम हो, अंडा बना देंगे, कोई सी ऐसी चीज़ नहीं। ये जो बकरे का मीट रहता है, ये क्या भाव से बनाने का क्या लेते हो आप? अभी 350 रुपये ले रहे हैं। 350 में एक किलो बना देते हो? एक किलो इसमें कह रहे हैं अब तेज पत्ता। अच्छा तो भाई ये आ गया सबसे पहले तेज पत्ता। शुरुआत तेज पत्ता से करेंगे इसकी। भाई ये सबसे पहले प्याज डल रहा है इसमें। तो काका जी लगभग कितना प्याज लेते हो आप एक किलो में? एक किलो में करीब 200 ग्राम करीब प्याज देते हैं। 200 ग्राम हो जाता है? हाँ। और कम? नहीं, 200 ग्राम से थोड़ा बहुत कम डालते हैं। तो भाई ये आ गया सबसे पहले प्याज और बिल्कुल सफाई के साथ बना रहे हैं आप देख सकते हो। इसमें नमक डालेंगे पहली बार। ठीक है, ये नमक डाल दिया। ये देखो बिल्कुल बादामी कलर हो गया प्याज। ये बढ़िया ग्रेवी बन जाएगी, बिल्कुल बढ़िया ग्रेवी है। एक नंबर यार, ये हल्दी, ये हल्दी आ जाएगी। ज्यादा पानी, पानी क्यों डाल दें अंकल? ये पानी, ये हल्दी जल जाएगी जैसे इसमें गिरेंगे ना, तो ये जल जाएगी, कड़वा सा है। ये हर आदमी नहीं जानते हैं। बोला अब इससे जलेगी नहीं? नहीं, इससे जलेगी नहीं, पानी से जलेगी नहीं। हाँ। क्या बात है, तो ये तो भाई हेडमास्टर ही जान सकता है। नहीं बिल्कुल, ये तो पूरी तरीका से नॉलेज है इसका। एक मास्टर ही मान लो आप, बहुत मास्टर मान लो बकरे का, मुर्गे का, इनका तो एक मास्टर ही मान लो मेरे को। ये तो फिर से ही पढ़ाई यही की है हमने तो। ये इसमें मिर्ची डाले, ये देसी मिर्ची है। अच्छा। हम खुद बनाते हैं सब, उस लेके मतलब खुद पीसते हो? यही पीसते हैं, वही तो ये चक्की में पीसते हैं। और जो भी गरम मसाला वगैरह वो तो अमाम उसमें कूटते बनाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, कितनी मेहनत है यार। मेहनत बहुत तकड़ी है इसमें। मतलब आपकी पूरी फैमिली लगी हुई है इस काम में? पूरी फैमिली लगी हुई है। आपके बच्चे तो हैं, आप भी हो, माता जी भी लगी हुई है? हाँ, सब लगे हुए हैं। अच्छा, रोटी वहीं से बन के आती है? वहीं से रोटी बाटी वहीं से बन के आती है। क्या बात है। तो भैया देख रहे हो, एक काम को सक्सेसफुल करने के लिए पूरी फैमिली का सहयोग चाहिए होता है पूरा, तभी जगह काम चलता है भाई। तभी काम चल रहा है भैया। ये आ गया भाई धनिया। आज हम जो भी फैमिली के पीछे है, हम फेमस है जो फैमिली के पीछे है, क्योंकि फैमिली एक की बढ़िया काम करेगी, देखेगी कि अपना काम है, खुद का काम है ये। मजदूर तो क्या है कि कुछ लापरवाही कर जाएगा, बाकी खुद तो हम खुद तो लापरवाही नहीं करेंगे ना। हर कस्टमर ये कहता है कि मजा आ गया यार काका। एक लड़का तो टिप देके गया था आज पीछे पड़ गया, टिप बताओ टिप बताओ। तो भाई धनिया डाल दिया भिगो के इन्होंने, अब मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। इसको हिलाने पे फिल्टर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल फटेगा नहीं। अच्छा। इसमें गिरने से फटेगा नहीं, नहीं तो वैसे अगर हलाए नहीं तो ये फट जाएगा। दही इसे दही छाछ गर्म करने से हिलाना पड़ता है। तो भाई इसके अंदर फाइनली ये देख रहे हो दही एकदम बढ़िया फैट लिया है, मतलब हिला हिला के। हाँ जी, फैट लिया है इसमें। तो दही भी आपने ज्यादा नहीं डाला मैंने देखा? नहीं नहीं, स्पीड डलेगी दही, एक किलोमीटर में स्पीड डलती है। तो भाई एक बार मसाला होने देते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई ये चेक कर लो भाई, काका का स्पेशल मटन बनने जा रहा है और यहाँ पर बकरे का मीट। अब एक बार चेक करना आप काका के यहाँ। ये नड़िया है, ये चांपे, ये जो वो आप बोलते हो गुर्दे है, वैसे तो ऐसे तो किडनी है इसको, डॉक्टर पास हम तो किडनी बोलते हैं। बाकी ये नड़िया का पीस एक नंबर A1 मिलेगा काका की दुकान पे, मीट भी एक नंबर A1 मिलेगा। हाँ जी। तब इसको धोगे काका? हाँ जी, इसको धोएंगे, सफाई करते हैं। हल्का से धोते हो ना? हाँ जी। ज्यादा धोने से खराब हो जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी। एकदम वॉश कर लिया भाई इसको, मतलब बिल्कुल पानी से निकाला है बस इसे। तो ये हो गया एकदम क्लीन। ये मटन डाल रहे, ये
ये कली जी का पीस भी है। अरे वाह, वैसे अंकल जी यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड आपको बकरे की मीट की है ना? बकरे का मीट की ज्यादा डिमांड है ना। चिकन कम खाते हैं लोग? चिकन कम खाते हैं। अंकल जी वैसे आपने एक साथ इकट्ठा कितने किलो मटन बनाया एक साथ इकट्ठा? एक कुंटल डेढ़ कुंटल। अभी मेरी माँ का जैसे मेरी माँ शांत हो गई थी तो हमारे क्या है कि दूसरे दिन नुक्ते के दूसरे दिन मटन बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, पहले भी बनाते हैं, शुरू से ही बनाते हैं। अच्छा, अभी डेढ़ कुंटल बनाया था मैंने एक साथ। एक साथ डेढ़ कुंटल। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसकी खुशबू जैसे की जैसे बनी रहेगी, बिल्कुल महकेगा ये बहुत दूर तक की। जो आस पास में जाते हैं ना, यहाँ क्या बन रहा है यार, ये कौन सी रसोई बन रही है, ये बोलते हैं लोग। तो भाई लहसुन अदरक का पेस्ट भी फाइनली इसके अंदर डाल दिया इन्होंने, अब क्या डाल दो सर? इसमें पसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अच्छा, जो आप बोल रहे कूट के डालते हो? हाँ जी, कूट के बनाते हो? कूट के बनाते हैं ये देखो मसाला, रेडीमेड नहीं कूट के ही बनाते हैं, ये देख लो आप इसका कलर, ये देख लो आप। इसको बोलते हैं लपटुआ सब्जी, ये काका की लपटुआ सब्जी बोलते हैं इसको। तो काका इसमें कितनी देर सीटी लगाओगे आप? 3 सीटी लगाएंगे, 3 सीटी में ये तैयार हो जाएगा। ये देखो हाँ जी, ये मटन तैयार हो गया है तुम्हारा, ये देखो मटन देखो, ये तैयार हो गया। ये है भाई, ये देखो क्या बात है भाई साहब, खदकता हुआ मटन बोलेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खदकता हुआ बकरे का मीट, चला दो थोड़ा सा, क्या बात है भाई साहब। ओए ओए भाई, बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में देख रहे हो रोगन रंग, और प्रॉपर अमाउंट में इन्होंने ग्रेवी डाली है कि भाई बहुत ज्यादा ग्रेवी भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इसको बोलते हैं लखतुआ सब्जी, ये चेक कर लो भाई, क्या बात है भाई। ओए होए होए होए, तो भाई ये स्पेशल कुकर किंग हमारे काका जी हैं, उन्होंने बकरे का मीट बना के रेडी कर दिया है भाई। फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं, इसका मजा आ गया भाई। काका जी, हाँ जी, इसको बनाने के लिए कितने रुपए लगते हैं बता दो एक बार जनता को। 350 रुपए लेते हैं अभी तो हम मजदूरी के, बाकी दीपावली पे इसकी रेटा बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ जी।